चलिए थोड़ा सा कैपेसिटर की थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर कोई कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाए तो क्या होता है। तो आप हेडिंग डालिएगा पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, चलिए ठीक है। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको मैं दो सिचुएशन में बनाता हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर, इस पर अब बीच में वैक्यूम, मतलब कोई मीडियम नहीं, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई नॉट, आप लोग बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों की वजह से जो हो रहा है, तो नेट की डायरेक्शन एक ही आएगी, अपोजिट आएगी दोनों प्लेट की वजह सर से। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो नेट ही आ जाएगा। और ये इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है इतना। अब क्या हाँ करना है, सर दूसरा डायग्राम एक और बनाना है, एक और बनाना है बच्चों। एक्चुअली ये जो गैप है ना दोनों के बीच, ये तो बहुत ही कम है। जो प्लेटों का साइज है उस हिसाब से गैप बहुत कम। तो फिर आप फ्रेंड इतना साफ साफ दूर दूर क्यों बना रहे हो, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अब मैं चैट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब डाल दिया मैंने, और ये ऐसा मटेरियल है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का है। कैसे मॉलिक्यूल, से नॉन पोलर नॉन पोलर कैसे होते हैं, सर जिनमें अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इवन होता है, और मतलब चार्ज जैसे खास एक तरफ को नहीं जाएगा, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वैसे। हर एक एटम का तो हो रहा ही कहीं नेट। अब हो रहा क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज यहां भी अगर प्लेट अट्रैक्ट करेगी, तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पर, प्लीज ध्यान दीजिएगा मैं जो बना रहा हूं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर माइनस चार्ज इधर को अट्रैक्ट हो जाएगा और प्लस, ऐसा बन जाएगा नहीं, सोचिए एटॉमिक लेवल पर। ऐसे दो तीन और बना सकते हैं, सभी का यही हाल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर तो बच्चों हो रहा क्या, डाइलेक्ट्रिक के नजरिए से देखिए, डाइलेक्ट्रिक में इस साइड सब माइनस चार्ज आ जाएगा पूरा,
तो मान लेते हैं जी इस सरफेस पर, मैं यहां पर लिख देता हूं जी, नेट चार्ज माइनस क्यू नॉट आ रहा है, या क्यू नॉट जो नॉट ऊपर सिंबल ले रखा हमने तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यू आई ले आ दे, क्यू आई सिंबल इस सरफेस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा इस सरफेस पर, थोड़ा सा प्लस क्यू आई कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को? ऐसे हाँ बनाते सर। रहिए, हाँ ऐसा बनाते रहिए बच्चों, नीचे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल तो सब जगह ही होंगे इसमें, लास्ट में भी। तो इनकी वजह से नेट एक नेगेटिव चार्ज लेफ्ट सरफेस पर और पॉजिटिव चार्ज राइट सरफेस पर इंड्यूस हो गया। वैसे ये नॉन पोलर थे, होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, उसने इनको पोलराइज कर दिया है और अब ऐसा प्रभाव देख रहे। मैं यहां तक समझा पाया आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक। अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा बच्चों कि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, तो फिर अंदर यहां पर पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं उसको ऐसे दिखाता हूँ, कैपिटल ई सफिक्स में स्मॉल पी, पी फॉर पोलराइजेशन, थ्योरी में लिखाऊंगा अभी। अब ध्यान दीजिए प्लीज, इधर को ई नॉट था ऊपर बनाया मैंने पहले वाले में, और ई पोलराइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो इफेक्टिवली जो ई नेट होगा वो ई नॉट माइनस ई पी होगा ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ पहले यस सर। डायग्राम में ई नॉट था ऊपर, ध्यान से समझिएगा, पहले में क्या था? ई नॉट, उसके बाद एक डायलैक्ट्रिक चलिए स्लैब रखा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का था, ये लिखाएंगे हम, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आके एटॉमिक लेवल पे सोचिए वो पोलराइज हो गए, तो ओवरऑल नेट लेफ्ट सरफेस पे मान लो माइनस क्यू आई चार्ज है, तो राइट पे उतना ही प्लस क्यू आई चार्ज हो गया, क्योंकि नेट चार्ज तो अभी भी जीरो ही रहना है, स्लैब ने किसी को टच थोड़ी किया है। अच्छा जी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, और कितना हो गया? ई नॉट माइनस जितना पहले था, मतलब माइनस ई पोलराइजेशन। क्या मैं यहां तक क्लियर कर पाया? यस सर। अब यहां पर समझिए बच्चों, आप अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो एटम भी बेचारे कितना झेल पाएंगे, एक दौर तक तो ठीक है, उसके बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके एटॉमिक लेवल पे सोचिए, उनमें खिंचाव आ रहा होगा नहीं एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इस एक्सटर्नल, वो तो सब नॉन पोलर थे ना, बड़ी सिमेट्री थी उनमें, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया उनके अंदर, क्या पैदा कर दिया? एक तनाव, जी माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ का तनाव, और कब तक झेलेगा ये? लगाते रहिए बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दौर ऐसा आएगा कि डाइलेक्ट्रिक में सब तोड़फोड़ हो जाएगी बच्चों, और फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी तरफ फ्री हो जाएंगे, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में कुछ, और ये डाइलेक्ट्रिक बेचारा कंडक्टर बन जाएगा। हमने क्या सीखा इस प्रोसेस में? एक डाइलेक्ट्रिक को कंडक्टर कैसे बना सकते हैं? कार्तिकेय रिपीट करना चाहोगे? क्या करेंगे? नहीं समझ में आया? कोई यस सर। बात, हाँ बोलिए। सर हम एक
पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लेंगे और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेंगे पहले से। हाँ सर, सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा। हाँ हाँ आ रही है भाई। सर तो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेंगे पहले तो उसके। सर शायद मेरी साइड से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार रिकनेक्ट करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, नेहल आप बता सकते हो, सरल शब्दों में समझाना है ये। हाँ सर, सर हम दो प्लेट्स लेंगे जिनमें से कि एक नेगेटिवली चार्ज होगी और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज होगी। फिर उसके बीच में हमें अपना डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखना है जिसमें कि जो कि एक नॉन पोलराइज्ड है, उसमें जो उसके बाद जो उसके एटम्स हैं वो पोलराइज होना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जो नेगेटिव मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की ओर आएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की ओर को जाएगा, जिससे कि वो नॉन पोलर्स पोलराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो एक कंडक्टिंग स्लैब बन जाएगा। नहीं, अभी नहीं बनेगा। अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो ठीक बाहरी जो ई नॉट है उसका विरोध करेगा। अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा प्लेटों के बीच कम हो जाएगा, जितना पहले था ना वैक्यूम वाली सिचुएशन में। है इस सर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ने, मैं कह रहा हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच तनाव पैदा कर दिया है। जो अच्छा खासा सुकून से जी रहे थे, अब तनाव हो गया है। भाई ठीक है, तनाव झेलने की भी एक लिमिट है। आप बाहर की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करते रहिए ई नॉट। एक दौर ऐसा आएगा बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होना मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन सब फ्री हो जाएंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा उस समय? कंडक्टर। ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां तक ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, मतलब उसके बाद फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डायलैक्ट्रिक मटेरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सहन कर सकता है कोई डायलैक्ट्रिक मटेरियल, डायलैक्ट्रिक बने रहने तक लास्ट? उसके बाद तो डायलैक्ट्रिक ही नहीं रहेगा, वो बेचारा कंडक्टर बन जाएगा। तो डायलैक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट हम बोलते हैं, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो हम बोलते हैं, उसका मीनिंग समझ में आया? यस सर। मैं इस पे भी लिखाऊंगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी मटेरियल की क्या बताती है? कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को झेलते हुए डाइलेक्ट्रिक बना रह सकता है। उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो वो डाइलेक्ट्रिक क्या कन्वर्ट हो जाएगा? फिर कंडक्टर कंडक्टर बन जाएगा मजबूरी में। समझ में आया होगा इतना? हाँ सर। तो हमारा हेडिंग क्या था, दोबारा उसको ध्यान से पढ़ो ना। पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो चलो भाई फिर इस बात को लिख देते हैं जो हमने पढ़ा है। अच्छा, प्लेटोन के बीच आपने कहा एक को पॉजिटिव चार्ज, एक को नेगेटिव चार्ज। किताब में क्या लिखा होगा थोड़ा मैं वो बता दूं। ट्रेजर ऐसा लिखा रहता है बच्चों, देखिएगा, जैसे ये प्लस है ये माइनस है ना, आप इसको बैटरी से जोड़ सकते हैं। ये तो ये पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है बैटरी है या नेगेटिव, हाई स्कूल लेवल से पढ़ा होगा। तो आप इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव, ऐसा स्ट्रक्चर भी कहीं मिल सकता है। अभी बैटरी वाले जो पॉइंट है उस पर हमारा फोकस ज्यादा नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा ज्यादा फोकस रहेगा इन मुद्दों पर जब हम आगे पढ़ेंगे। या कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल जोड़ने पर, तब हम ये सारी बात करेंगे। हमारा इस चैप्टर में कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल जोड़ने पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, और ऐसे ही अगले चैप्टर में
रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल जोड़ने में बहुत सारे होंगे, वो सब आपने हाई स्कूल लेवल में भी पढ़े हैं, लेकिन वहां कुछ ज्यादा ही सरल थे, यहाँ थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि मेडिसिन ऐसी होगी कि आप कई बार समझ ही नहीं पाएंगे कि इसको सीरीज माने कि पैरेलल माने। चलिए उन पर बाद में बात करेंगे, सीरीज पैरेलल। अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि दो प्लेटें ले ली, एक को पॉजिटिव चार्ज एक को नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर आपके टीचर ने पूछा ऐसा कैसे दे पा रहे हो आप अलग अलग चार्ज, तो आप कह सकते हैं कुछ नहीं सर, बैटरी से जोड़ दीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल वाला पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल वाला नेगेटिव चार्ज। क्या मैं जवाब दे पाया इस बात का भी? हाँ सर। हाँ सर। चलिए ठीक हो गया फिर, तो अब शुरू से लिखते हैं बच्चों। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ऐसा तभी होता है जब बैटरी से जोड़ा जाता है, वरना चार्ज वैसे देने में एक को ज्यादा ही प्लस हो जाएगा, एक को कुछ माइनस अलर्ट भी हो सकता है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दिया करिए, लैंग्वेज में जो बनाता हूँ वो जो मैं समझ रहा हूँ वही लिखता रहता हूँ, आप भी यही करिएगा तो नेचुरली ठीक बन जाएगी। सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड इन बिटवीन द प्लेट्स गिवन बाय E naught equal to sigma upon 2 epsilon naught पहले की वजह से, और sigma upon 2 epsilon naught दूसरे की वजह से, तो sigma upon epsilon naught ये हम जानते ही हैं पहले। आप कह सकते हैं सर आपने तो ये तब निकाला था जब इनफाइनाइट प्लेटें थी, अभी कहाँ लिखा हुआ है इनफाइनाइट प्लेट, एक सवाल ये उठ सकता है ना, सवाल भी मैं खुद ही उठा रहा हूँ क्योंकि आप तो उठा नहीं रहे। तो मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच गैप इतना कम है एक्चुअल में जितना आप सोच सकते हो, ध्यान से समझो, जब दो प्लेटों के बीच का गैप बहुत ही कम है तो बीच में कोई पॉइंट अगर आप लोगे और आप वहां पर हो तो आपको लगेगा नहीं प्लेट का साइज इनफाइनाइट जैसा, सोचो तो जरा नजरिया। ये देखो ना, एक मिनट, ये चीज देख रहे हो आप, इतने दूर से देखोगे तो एंगल ऐसे बनेगा देखने का, अब यहां पर आ जाओ तो एंगल बढ़ जाएगा नहीं देखने का, और नजदीक आ जाइए तो हर चीज पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अब आप क्लोज आते जाइए तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा ही लगेगा नहीं कि एंगल इतना बड़ा बन गया है, ये जो एंगल है बच्चों ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ये बताइए आप। और जब बहुत ही क्लोज आ जाएगा तो ये एंगल ऊपर को भी 90 और नीचे को भी 90 जैसा हो जाएगा या नहीं, लगभग? हाँ सर। अरे तो भाई इनफाइनाइट प्लेट के साथ भी तो ऐसे ही बनेगा, इनफाइनाइट प्लेट देखने की कोशिश करोगे एंड तो कैसा बनेगा, आपको पैरेलल लाइन ही ऊपर को ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये लगभग वही सेंस है। फिजिक्स में तो अपने आप ज्यादा मजा आता है बच्चों को, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन होता है जी, हाँ अच्छा ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि फॉर्मूला लगाना बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला किस परिस्थिति में डिराइव किया गया है ये भी तो याद रखना है, फॉर्मूला किस परिस्थिति में डिराइव किया गया है ये भी तो याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच हमने वैक्यूम कंसिडर किया है, ये भी लिख लेते हैं, लिखिए वी हैव कंसिडर्ड वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, वी हैव कंसिडर्ड वैक्यूम
बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच का वैक्यूम है, हम ये मान ले। अच्छा ठीक है साहब, अब नई लाइन से हम यहां पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लेट अस इंट्रोड्यूस और डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ब्रैकेट में लिखे ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। हम लोग बहुत दिनों से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसकी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या परमिटिविटी ऑफ अ स्पेस बता रहे हैं ना, एक्चुअल में वो समझाने का ये टॉपिक यहां से समझ में आता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती, परमिटिविटी क्या होती, यहां से समझ में आएगा लास्ट तक आते आते। अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो क्या होगा, हमने स्लैब को तो इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मैं बता रहा हूँ एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो पोलराइज हो जाएंगे मॉलिक्यूल ना, तो लिखिए ड्यू टू the external electric field E naught, external electric field E naught from a molecule state polarized molecule state polarized इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव प्लेट की ओर नेगेटिव आइडल, नेगेटिव की ओर पॉजिटिव आइडल, अपोजिट डायरेक्शन, कहानी समझ में आ जानी चाहिए। तो ऐसे पोलराइज्ड हूं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पैदा हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको ई पोलराइजेशन ईपी बोल सकते हैं। सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आप E small p ब्रेक नीचे सेपरेट में EP is induced, ये इंड्यूस हुआ है ना, ये पहले से नहीं था, इंड्यूस होना, प्रेरित होना, इंस्पायर रोटेट करना, इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेट्स इक्वल टू E नॉट माइनस E पोलराइजेशन, आप इसे इक्वेशन वन कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, हाँ सर। तो अगर कभी किसी ने पूछा कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर, वो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे, वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, पूरा समझा पाएंगे? हाँ सर, ये बात मैं लिखा देता हूं फिर यहां पर। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड within the plates is reduced on inserting
और डायरेक्ट इट्सेल्फ। On inserting a directed slab of non-polar molecules. बच्चों चीजें इतनी सरल नहीं होती जितनी आपको पढ़ाई जा रही होती, लेकिन आपके लेवल पे यही तरीका ठीक है। आप कॉलेज में पढ़ेंगे इसी बात पे, थोड़ा और चीजें भी पढ़ लेंगे। अब हम यहां से एक और चीज पढ़ सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हेडिंग डालिएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि अब सारी चीजें क्लियर है आपको। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है भाई? नाम से क्लियर है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जितना झेल पाए बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव, और जब नहीं झेल पाएगा तब क्या हो जाएगा? तो भाई तब अपने आप ही इसमें ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीव होंगे बहुत सारे, तो फिर अभी इंसुलेटर नहीं रहा, डाइलेक्ट्रिक नहीं रहा, क्या बन जाएगा? कंडक्टर। क्लियर है? यस सर। तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, देखिए प्लीज। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक The dielectric strength of a dielectric is defined as the maximum is defined as the maximum value of electric field that can be applied to the dielectric without the electric breakdown. Without the electric breakdown. क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. तो electric strength जो होती है उसका जो unit है वो वही है जो electric field की। लिख लीजिए इस बात को, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अरे भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, तो भाई वही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैं ये लिख रहा हूं, द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is same as that of electric field, same as that of electric field. तो होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम्ब।
तो ये मीटर बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है बच्चों, क्योंकि वहां पर जो प्लेटों के बीच का गैप होता है वो बहुत कम होता है ना, तो नॉर्मली वोल्ट पर मिलीमीटर में ज्यादातर यूज होता है, बल्कि वोल्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाता है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। वोल्ट तो हो जाता है किलो, और गैप मीटर की जो क्या होता है, प्लेटों के बीच का गैप कैपेसिटर में बहुत कम होता है। तो मैं लिख देता हूँ, हाउ एवर प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डायलेटेड स्ट्रेंथ, डायलेटेड स्ट्रेंथ इज किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, क्योंकि गैप होता है मिलीमीटर में। और मैं आपको एक दो चार उदाहरण दे देता हूँ बच्चों, एक छोटी सी टेबल बना लो यार पढ़ने के लिए। इसमें मैं मटेरियल लिख दूंगा, समझ के लिए है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये रिलेटिव परमिटिविटी भी है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और तीसरे में आप डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तब जाके वो कंडक्टर बनेगा, तो ये मैं किलो वोल्ट पर एमएम में ही बोल रहा हूं। तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना मानते हैं हम लोग, 1। और इसमें वैक्यूम को कंडक्टिंग बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है, वैक्यूम में करंट का फ्लो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा हम इसे भी 1 ही लेते हैं नॉर्मली, न्यूमेरिकल्स में 1 ले लेंगे, ये एक्चुअली इतना होता है। प्लीज इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एयर का भी हम नॉर्मली 1 ले लेते हैं, लेकिन बच्चों ये 0.8 किलो वोल्ट पर एमएम में एयर के अंदर करंट फ्लो होने लगती है, एयर के अंदर करंट फ्लो होने लगती है अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता तो। अभी एयर में करंट फ्लो होती है क्या? सर अच्छा, वाटर, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वाटर तो ऑलरेडी कंडक्टर हुआ ना भाई, आप कंडक्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक को नॉन कंडक्टिंग को कंडक्टिंग बनाने के लिए कितनी बिजली चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वाटर को कैसी, वो तो पहले से ही उस पर करंट फ्लो होती है। तो मैंने इसलिए लिखा यार कि वो हमारे आसपास हवा और पानी सब ज्यादा हो, तो कभी सवाल पूछा जा सकता है इसलिए। अच्छा, हमारा ये कॉपी का पेपर जो है, ये एक व्यावहारिक बात है, पेपर इस पर करंट आता है, ये माना जाता है इस पर करंट आ सकता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 14 है। रटना नहीं है, बताने की कोशिश ये है कि जो आपकी नजर में नॉन कंडक्टिंग है उसे भी कंडक्टिंग बनाया जा सकता है, अगर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो आप जब कहते हैं कि ये इंसुलेटर है, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो वो सामान्य अवस्था की बात है,
अब आपने देख लिया 14 किलो वोल्ट पर एमएम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो आपकी कॉपी में भी करंट आएगा। पानी में तो क्या कितना ही कमजोर हो करंट आ ही जाना है उसमें तो, और वैक्यूम ये है। हवा में करंट जोरदार बात यह है 0.8 वाला, क्योंकि इस साल हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, मैं टेबल इतनी बना रहा हूँ बच्चे, वो टेबल से मतलब नहीं था, केवल समझाने की कोशिश थी। इस साल हम ऐसे गैस चैम्बर देखेंगे बाद में जिसमें एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर होगा, बीच में बहुत ही कम प्रेशर होगा और इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, करंट फ्लो हो जाएगी, पूरी बैटरी जोड़ दो, एक स्विच जोड़ दो हो जाएगा, एक बल्ब लगा दो भाई, ज्यादा ही है तो देखने के लिए। आज तक हमने करंट मेटल के थ्रू वायर के थ्रू फ्लो होते हुए देखी, लेकिन इस साल आप कहां से देखोगे, एयर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट बाद में आएगा। तो जो इंसुलेटर है वो हमेशा इंसुलेटर ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। तो इस पूरी बातचीत से कुछ चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैं रिपीट करता हूं, मैंने पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ाया और बताया कि दो प्लेट्स हैं, उनको अगर एक बैटरी से जोड़ा जाए तो दोनों पर इक्वल अपोजिट चार्ज आ जाएगा और बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर डाल दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जो उसके मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं, तो पोलराइज होने से वो अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक पोलराइजेशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। भाई इतनी सी बात समझाई है मैंने, और फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझाया है। मैं समझाने में थोड़ा ज्यादा समय लेता हूँ क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जितना आराम से समझाओगे बच्चों को उतना ज्यादा चीजें लंबे समय तक याद रहे। मैगी बनाने जैसा मत करें, इतना तेज डेटा मत डालें कि उनके दिमाग में प्रोसेसिंग ही ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्लियर है तो हम लोग अगले लेक्चर में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पे बात करेंगे, इसी में इसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने अभी ये बनाया डायग्राम ना इसी को। तो हम लोग 5:15 बजे मिलते हैं, चलिए, थैंक यू।